हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आपने जैसे मैंने कल आपको जो था, एक तो एपिडर्मिस और प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस और उसमें प्रेजेंट स्टोमेटा के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे जिसे कहते हैं कॉर्क। एपिडर्मिस हमारा लिविंग पार्ट होता है स्टूडेंट्स, लेकिन कॉर्क हमारी मोस्टली डेड होती है। और ओल्ड टिश्यू जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो पेड़ पर एक छाल की शक्ल में नजर आते हैं, उसको हम कॉर्क कहते हैं। और कॉर्क थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, किसी में हार्ड होता है। कॉर्क का इस्तेमाल जो शैम्पिंग आती है ना, उसमें लगी हुई होती है। और जो फिरोजाबाद के अंदर जो चूड़ी पे हिल लगाई जाती है, उसकी बॉटल के ऊपर एक लकड़ी की डांट लगी होती है, उसे कॉर्क कहते हैं। और आपको याद भी हो, कॉर्क के बारे में सबसे पहली बार इसका जो यूज था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, जब उन्होंने सेल की डिस्कवरी किया हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं किसके बारे में, कॉर्क के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम। ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है हमारे पुराने स्टेम और रूट का, ठीक है। याद रखें, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी एपिडर्मिस के भी बाहर जाके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंड लेटरल मेरिस्टेम कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। इसको सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम टिश्यू पेड़ के साइडों से लगे हुए होते हैं, जैसे ये गोलाई होती है पेड़ की, उसकी साइडों से जो टिश्यू लगे हुए होते हैं उनको हम सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी कौन है, जो पेड़ को लंबाई में बढ़ाते हैं यानी एपिकल वाले, वो प्राइमरी हो गए। और जो साइड से होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं बेटा। तो उनको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क सेल आर रेक्टेंगुलर इन शेप। देखो, आपको कुछ कुछ रेक्टेंगुलर इन शेप में लग रहा होगा ये, विच आर कंपोज ऑफ डेड सेल्स। सारी सेल्स, मैंने पहले कहा था कि कॉर्क के अंदर सारी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। याद रखना है, कॉर्क के अंदर सारी सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, द सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। आप इस डायग्राम में देखिए, सारे स्टूडेंट्स देखें कि इस डायग्राम में कहीं पर भी कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा है। जब गैप नजर नहीं आ रहा है तो इनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, इनके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, जगह जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती कि इसमें कोई और मटेरियल आ सके। तो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है इनकी सेल्स। कॉर्क सेल्स हैव थिक वॉल, इनकी दीवार है मोटी। तो देखो, डार्क डार्क आपको लाइनें नजर आ रही हैं, विच आर इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है वो किसी भी मटेरियल को या हवा को अंदर जाने की या अंदर से किसी को बाहर आने की परमिशन नहीं देती। तो हमने कॉर्क के 5 पॉइंट की बात की, जैसे पहला क्या था, इसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू जो ओल्ड स्टेम और टिश्यू रूट्स में देखी जाती है, ये सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं साइड से, ठीक है। और इनको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इनकी सेल्स रेक्टेंगुलर होती हैं और डेड सेल्स की होती हैं। सेल्स इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं कि उनके बीच स्पेस नहीं होता। और कॉर्क सेल्स हैव थिक वॉल, इनकी दीवारें थिक होती हैं, विच आर इम्परमिएबल, और ये इम्परमिएबल भी होती हैं। अब है इसका फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है, कॉर्क प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाई एवोपरेशन। यानी कि जब कॉर्क बाहर होगी तो जाहिर सी बात है कि जो अंदर के पार्ट्स हैं वहाँ से वाटर बाहर नहीं आ पाएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो वो वेपर बन के नहीं जाएगा, यानी उसका एवोपरेशन नहीं होगा। तो वाटर, ये वाटर के लॉस को भी बचाती है। इट प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ प्लांट फ्रॉम द एंटी ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहीं आपके प्लांट को इन्फेक्शन ना कर दे, उससे भी ये उसको बचा लेती है। जब तक पेड़ के ऊपर देखो छाल है, तब तक उसे बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, कुछ लोग, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, गार्डन में इतने खूबसूरत पेड़ लगे हुए होते हैं, उसको पत्थरों से स्क्रैच कराते हैं, कोई नाम लिखाता है, कोई कुछ बना आता है, कोई कुछ बना आता है, तो तब उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसी पॉइंट में मुझे एक बात याद आई, एक साइंटिस्ट हुए इवानो वास्की, जिन्होंने सबसे पहली बार जो था वो प्लांट वायरस के बारे में बताया था। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम किसी प्लांट की कॉर्क को हटाकर उसके ऊपर कोई इन्फेक्टेड लिक्विड लगाएंगे तभी उसमें इन्फेक्शन होगा, और जब तक कॉर्क है तब तक उस पर इन्फेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। उसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर
फायर, उसको आग से भी बचाइए और टेम्परेचर से। अब जैसे यहां आग का मतलब है हल्की फुल्की आंच से बचाएगा, ये नहीं है कि आपने ढेर सारी आग लगा दी पता चला पूरा ही पेड़ जल गया। तो पहले बाहर की छाल जलेगी, उसके बाद अंदर का जो मटेरियल होता है गाइस वो जलता है। एंड लास्ट इट इज कॉमर्शियली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर और बॉटल। देखो आ गई, इसको हम स्टॉपर की तरह बॉटल में यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन बोर्ड्स, इंसुलेशन बोर्ड से मतलब यह है कि हम इसमें कुछ ऐसे बोर्ड्स बनाते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं, जैसे करंट ना लगे, झटका ना लगे, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर, ये झटकों को महसूस भी कर लेते हैं, इसलिए हम इसमें स्पोर्ट गुड्स जो हमारे क्रिकेटर के पैड और ग्लव्स होते हैं ना, ग्लव्स जो क्रिकेटर खेलते हैं वो अपने पैड में इन्हीं कॉर्क को यूज कराते हैं, जिससे क्या होता है जब बॉल फुल स्पीड से लगे तो ये सारे झटके को एब्जॉर्ब कर जाती है। तो गाइस ये जो हमारा छोटा सा एक लेक्चर था स्पेशली किसके ऊपर, कॉर्क के ऊपर, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा।